गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम नाइन्थ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आज बच्चों हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चों इसके लिए मान लीजिए, हम सपोज करते हैं बच्चों हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर बच्चों हमने कुछ अमाउंट में कुछ क्वांटिटी में वाटर ऐड किया। अब वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बच्चों हमने एक थर्मोमीटर यूज किया है और एक ग्लास स्टीरर यूज किया है इसको अच्छे तरीके से मिलाने के लिए। ठीक है, बीकर को बच्चों हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड की हेल्प से जो है एक जगह पे फिक्स किया है और वाटर को हीट करने के लिए हमने एक बर्नर का यूज किया है, बंसन बर्नर। और यहाँ पर बच्चों हमने थर्मोमीटर को अरेंज करने के लिए एक आयरन स्टैंड का यूज भी किया है। तो बच्चों देखिए कि जब हम बर्नर को ऑन करेंगे, ठीक है, बर्नर को ऑन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि धीरे धीरे जो है वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये हम थर्मोमीटर की हेल्प से चेक कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। मान लो पहले जो है वाटर रूम टेम्परेचर पर था, नियर अबाउट हम मान लेते 25 डिग्री सेल्सियस पर था, जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट किया इसका टेम्परेचर बढ़ करके कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों वाटर जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। बॉइल होना मींस क्या, वाटर जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा किसमें, स्टीम में, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि हम कॉन्टिन्यूसली इसको हीट किए जा रहे, गर्म किए जा रहे हैं, टेम्परेचर पहले तो बढ़ता है और कितना हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाने के बाद पानी का और ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, लेकिन वाटर जो है वो लगातार स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखिए जब हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले आते हैं उसके बाद वाटर के जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए मैंने ये दो पार्टिकल्स कंसीडर किए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमने लिए, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या कहा मैंने, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में बाकी जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो यूज हो जाती है। ठीक है, तो जो एनर्जी हम 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हीट दे रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, वो जो है टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, वो क्या करेगी, वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने का काम करेगी, ताकि वाटर के जो पार्टिकल्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, किस स्टेट में चले जाए, स्टीम की स्टेट में, ठीक है, गैसियस स्टेट में चले जाए। तो इस टाइप से बच्चों हम यहां से ये नोटिस करेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, और वो टेम्परेचर कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद बाकी की एनर्जी जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज नहीं हो रही है, मतलब वो छिप चुकी है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, वाटर जो है वो स्टीम में यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि उतनी हीट एनर्जी की मात्रा जो कि यूज होती है, जो कि हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए, अगर हमें चेंज करना है 1 kg ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, मान लो बच्चों हमारे पास 1 kg पानी है इस बीकर के अंदर, हमने एक बड़ा बीकर यूज किया, उसके अंदर 1 kg पानी है और हम उस वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें जितनी हीट एनर्जी चाहिएगी उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। लेकिन दो कंडीशन यहां पर हमें ध्यान रखनी है, क्या कि जो प्रेशर है, हम तो टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं ना, तो प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm। बच्चों एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये जो atm होता है ये प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट होती है।
प्रेशर को आपने पहले सुना होगा हम पास्कल में मेजर करते थे, ठीक है। तो 1 एटीएम का मतलब होता है 1.01 इंटू 10^5 पास्कल, या आप सीधी लैंग्वेज में समझो तो समझ सकते हो कि सी लेवल पर जो समुद्री स्तर पर जो पानी जो प्रेशर होता है सी लेवल पर उसको हम 1 एटीएम बोलते हैं। द प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर ऑन सी लेवल वो 1 एटीएम होता है। तो प्रेशर हमने 1 एटीएम ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो प्रेशर को 1 एटीएम रखा और 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगी उस एनर्जी को हमने बोला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद यहां पर मैंने एक बात की थी कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर जिस पर कि क्या होता है, जो लिक्विड है, कोई भी चीज अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो बॉइल होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। उससे कम टेम्परेचर पर वो चीज गैसीय स्टेट में नहीं बदलेगी। मींस मान लीजिए आपके पास पानी है, आपने जो है पानी का टेम्परेचर हीट करके बढ़ा दिया 98 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इस टेम्परेचर पर बच्चों पानी गर्म जरूर हो जाएगा लेकिन वो गैसीय स्टेट में नहीं बदलेगा। वो कब बदलेगा, कब बॉइल होगा? जब आप टेम्परेचर को कितना करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर कि लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं दो चीजों का एग्जाम्पल लू, ठीक है, मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास एक तो स्टीम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास वाटर है, तो इनमें से कौन सा ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकता है? अगर हमारी स्किन के ऊपर हम डाल ले तो कौन सा ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? तो बच्चों देखिए 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर जो होगा वो बस बॉइल होना स्टार्ट होगा, उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी, लेकिन धीरे धीरे वो वाटर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और स्टीम में बदलना शुरू हो जाएगा। तो स्टीम जो के जो पार्टिकल्स है बच्चों इनके अंदर तो एनर्जी ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर तो 100 से ऊपर गया ही नहीं है, सारी की सारी एनर्जी तो जो है फोर्स को ब्रेक डाउन करने में यूज हो गई और वो एनर्जी किसके पास चली गई है? स्टीम के पास चली गई है। तो बच्चों स्टीम के पास आप कह सकते हो इतनी एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये जो 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी आपने दी है ये सारी की सारी एनर्जी स्टीम के पास है, ठीक है। तो वाटर के कंपैरिजन में एनर्जी स्टीम के पास ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? इतनी ज्यादा है। तो इसलिए बच्चों हम कहेंगे स्टीम इज मोर इफेक्टिव देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो होप सो बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।